शिवसेना ने आज शिव संपर्क अभियान महासभा के जरिए जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस महासभा में शामिल होने अपने पक्ष प्रमुख मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भाषण सुनने नई मुंबई से हजारों शिव सैनिकों का जत्था 99 बसों में भरकर बीकेसी पहुंचा था। उपनेता विजय नाहटा के नेतृत्व में महासभा के लिए निकले पदाधिकारियों ने बाला साहब ठाकरे का जय घोष करते हुए कहा कि शिव संपर्क अभियान विरोधियों को जवाब देने और शिवसेना की ताकत दिखाने का माध्यम है। देखिए झलकियां। हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मोदी सरकार से कराई सरकार शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे संपर्क अभियान चल रहा है, इसमें आप लोग मुंबई से जा रहे हैं, कुल कितने लोग हैं और क्या इस अभियान का मकसद आपकी नज़र में आ रहा है? हम लोग दिखाने जा रहे हैं, अभी के हालात देखो क्या हो रहा है, इतनी महंगाई बढ़ रही, गैस का भाव कितना गया, तेल का भाव कितना बढ़े, बिजली, ये सब हालात इतने खराब हो गए, रेशनिंग का भाव सब बढ़ गया है, लोगों को नौकरियाँ नहीं है और ये अलग माहौल तैयार अलग से चल रहा है। अभी वो हनुमान चालीसा का ये क्या है, किसके लिए आपके समस्या के लिए झगड़ो तो ठीक है, ये अलग वातावरण से झगड़ रहे ये अच्छी बात नहीं है। अभी सबके जो भी जितने भी इकट्ठा होने वाले हैं सबको तो अच्छा मैसेज उसको जाएगा। अभी उद्धव साहब जो माननीय मुख्यमंत्री जी वो अच्छा सबको संदेश दे देंगे। रायगढ़ शिवसेना के जिला प्रमुख हैं घरत साहब, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि शिव संपर्क अभियान जो है क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देने के लिए ये पूरी तैयारी? हमारा शिव संपर्क अभियान 24 तारीख से तो 28 तारीख तो होने वाला है। पहला हमारा 14 तारीख का आज ये साहब का सभा है। आज ये सभा की जो आज महाराष्ट्र में चालू है शिवसेना के बारे में जो बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना कभी कम नहीं है, ये साहब आज दिखा के देने वाले हैं। शिवसेना में हिंदुत्व क्या है, वो हिंदुत्व किसी ने शिवसेना को सिखाने की ज़रूरत नहीं, हमारे बाला साहब ने इन लोगों को हिंदुत्व सिखाया है। क्या लगता है आपको कि एक संदेश इस तरह से शक्ति प्रदर्शन का भी है और एक संदेश जो है सीधे तौर पर भाजपा और मोदी सरकार को है और मनसे को भी है? एक क्या है, शिवसेना को भाड़े से शिवसैनिक लाने की जरूरत नहीं है, सबके जो पक्का शिवसैनिक है, कड़ोस शिवसैनिक है, वो आज बीकेसी के ग्राउंड पे आज दिखने वाला है, भाड़े का नहीं है। ये शिवसेना वाला जो कट्टर है, हिंदुत्व वादी है, वही शिवसेना का दिखने वाला है, भाड़े का नहीं। मुंबई बेलापुर के शिवसेना जिला प्रमुख विठल मोरे साहब भी खुद मौजूद हैं, आप भी शिव संपर्क अभियान में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में आपके साथ शिव सैनिक हैं। आज बीकेसी में हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, उनका एक महासभा है। इस महासभा का मकसद ऐसा है, पिछले कई महीनों से, कई साल नहीं बोलोगे, कई महीनों से कुछ लोग जिन्होंने कभी अपने घर से बाहर आके किसी से बात करने की मतलब उनको कभी ताकत नहीं हुई, आज वो जहरीली फुटकारे दे रहे हैं, उनकी जो नांगी बोलते हैं ना, वो नांगी ठेचने का काम आज वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के आशीर्वाद से उद्धव ठाकरे साहब करेंगे। और कुछ लोग जो कई सालों से बाला साहब की से सीख ले रहे थे, लेकिन आज जो शेर का जो चमड़ा है वो चमड़ा गलती से उनके कंधे पर गिर गया और आप खुद को शेर समझने लगे, उनको भी सबक सिखाना है, वो सबक सिखाने के लिए आज की सभा है। उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका शिव संपर्क अभियान है कि आने वाले समय में आप शिवसेना और भी मजबूती के साथ उभरे? आज उद्धव जी आमचे पक्ष प्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, त्यांचा स्वभावच मुळात असा आहे, आमची शिकवणच मुळात अशी आहे, जे बोलेल ते सत्य बोलेल, जे करण्यासारखं ते बोलणार,
खोटं बोलणं आमच्या रक्तात नाही, शिवसैनिकांच्या रक्तात नाही, आणि उद्धव साहेबांनी आतापर्यंत इतिहास घडवलेला आहे. जे काही बोलले ते रस्त्यावर उतरलं आणि स्पष्टपणे खरं तेच वचनं दिलेली आहेत. ज्या पद्धतीने मोदी सरकार असेल, त्यांचे मंत्री असतील, त्यांचे भाजपचे कार्यकर्ते असतील, पदाधिकारी असतील, ज्या पद्धतीने लोकांना खोटं नाटक पसरवून, खोट्या बातम्या पसरवून लोकांची सत्ता स्थापन केली, ती सत्ताच मुळात चुकीची स्थापन केलेली आहे. जी महागाई वाढलेली आहे त्या बाबतीमध्ये एकही भाजपचा मंत्री, एकही त्यांच्या जे कोणी त्यांचे पदाधिकारी असतील त्या बाबतीत मात्र बोलताना दिसत नाहीत. केवळ धर्म आणि धर्मद्वेष या धर्तीवर त्यांचं राजकारण चालू आहे आणि त्या राजकारणाचा पर्दाफाश आज झाल्याशिवाय राहणार नाही याची हमी खात्री आहे. कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से सैनिक जो है उस अभियान का हिस्सा बनने वाले? शिवसेना नवी मुंबईच्या वतीने शिवसेना उपनेते विजय नाटा साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज बेलापूर मतदारसंघातून 52 बसचं आम्ही या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या कोण मोटरसायकलवर येतं आहे, कोण फोर व्हीलरमध्ये येतं आहे, असे असंख्य कार्यकर्ते आज उद्धव साहेबांना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून आज ते तोंडावरील मास्क काढून महाराष्ट्रातील जनतेला वक्तव्य करणार आहेत. त्याच्यासाठी आमचे शिवसेना उपनेते विजय नाटा साहेब यांच्यासह सर्व शिवसेनेचे आजी माजी नगरसेवक, महिला पदाधिकारी, युवासेना पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व मंडळ या ठिकाणी जातो. हजारोच्या संख्येने शिवसेने, कारण गेली 2-3 वर्ष उद्धव साहेबांची सभा झाली नव्हती आणि त्या सभेसाठी आम्ही सर्व शिवसैनिक मुंबईला निघालेलो आहोत. क्या इसका मकसद आपको लगता है कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है और ये मोदी सरकार है उसको एक संदेश देने की कोशिश है जिस तरह से मुद्दा रखा गया? आज बघितलं असेल महाराष्ट्रामध्ये मोदी सरकारच्या माध्यमातून जेवढी महागाई झालेली आहे, त्यांच्या ज्या वल्गना होत्या की आम्ही देशामध्ये गरिबी हटवू, असं काही झालेलं नाही. आणि हे काही शिवसेनेला नवीन नाही, कारण आमचे पक्षप्रमुख आहेत. आता गर्दी करायची असती तर मग अगदी हजारो अजून लाखो लोक, पण तसं आम्हाला काही आव्हान, पण आम्ही शिवसैनिक आहेत. जसे शिवसेना प्रमुखांची सभा ऐकायला जात होतो तसेच आम्ही सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आज उद्धव साहेबांना आमचे पक्षप्रमुख म्हणून आज त्या ठिकाणी आव्हान करणार, त्याच्यासाठी आम्ही चाललेलो आहे. जो शिवसंपर्क अभियान है, क्या संदेश देना चाहते हैं आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे? मुख्यमंत्री साहब ने आज हमारा शिवसेना का मेलावा लगाया है तो बांद्रा कुर्ला बीकेसी में हम लोग सब लोग नवी मुंबई के शिवसैनिक जा रहे हैं. साहब का भाषण सुनने का है, जो वातावरण किया है बाकी विरोधक लोगों ने साहब के बारे में जो भी बोल रहे हैं उनको सबको उत्तर देना है. साहब को, साहब तो बार बार बोलते नहीं है लेकिन आज एक बार ही सबको साहब उत्तर देंगे और हमारे सब महाराष्ट्र में आए हुए शिवसैनिकों को मार्गदर्शन करेंगे. सुरेश कुलकर्णी साहब हैं, ये तुर्बे स्टोर्स के स्थानीय नेता हैं, और क्या कहना चाहेंगे कुलकर्णी साहब, क्या संदेश है आज का, ये इतनी बड़ी संख्या में इतने उत्साह के साथ कभी शिवसैनिक सिर्फ दशहरा मेला में जाते हैं और इस बार फिर दोबारा ये शिव संपर्क अभियान में जा रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, 2 साल से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं था, उन्होंने जो आज शांति रखा था, विरोधों ने तो बहुत ही हंगामा मचाया था. आज ये टाइगर जाग गए है, आज टाइगर का आज भाषण भी सुनना है. और सही में आज जितने भी हमारे शिवसैनिक के जो भी न्यू मुंबई में, महाराष्ट्र में, सभी लोग एक जगह पर आने वाले, आज जितना दिन अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री साहब शांत बैठे थे, आज वो आवाज़ सब विरोधों को उनका जवाब मिल जाएगा सबका. क्या लगता है आपको, ये एक संकेत देने की कोशिश है कि शिवसेना कमज़ोर नहीं हुई और जो विरोधी हैं वो अब सचेत हो जाए? न्यू मुंबई तो विरोधक तो है ही नहीं है, और महाराष्ट्र में भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री साहब आज जितने भी विरोधक है उनको तो फिनिश कर देंगे, साफ कर देंगे. आज शिवसेनेचं हिंदुत्व आणि शिवसेनेला कोणी हिंदुत्वासाठी चॅलेंज नाही दिलं पाहिजे. आज भाजप असेल, मनसे असेल किंवा इतर पक्ष असतील, अपक्ष असतील, ते अनेक वेगवेगळ्या पद्धतीनं शिवसेनेला कारण नसताना त्यांच्यावर अनेक पद्धतीनं वार करत आहेत. तर आज आम्ही शिवसेना प्रमुख आणि आमचे लाडके मुख्यमंत्री, जे फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये जे पहिल्या 5 मध्ये लोकप्रिय आहेत, अशा आमच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणी चॅलेंज देऊ नये. आणि आज जोपर्यंत जे अनेक वार शिवसेनेवर होत आहेत त्याचं उत्तर आज आम्हाला मुख्यमंत्री, आज संपूर्ण भारताला त्याचं उत्तर देणार आहेत. आणि आम्ही पूर्ण शिवसैनिक आमच्या शिवसेना प्रमुखांच्या पाठीशी आहोत, शिवसेनेबरोबर आहोत. उनको जो भी करना है वो अपना काम कर रहे हैं, ते त्यांना जे वाटतं ते करत आहेत, परंतु आमचे मुख्यमंत्री, आमचे पक्षप्रमुख हे अतिशय सत्यवादी आहेत, खरं बोलणारे आहेत आणि ते कामावर जास्त फोकस देतात. म्हणून आज कोरोनाच्या काळामध्ये भारतामध्ये नंबर 1 मुख्यमंत्री म्हणून ते नावाजले गेले आहे. ते कामाकडे लक्ष देतात, ते बाकीच्या जे चुकीचं बोलतात चुकी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात, कारण एकमेव असे मुख्यमंत्री आहे जे शांतप्रिय आहे आणि त्यांच्या कामावर फोकस करणारे आहेत. म्हणून आजची जी सभा आहे ती खरोखर त्यांना असं काही उत्तर मिळणार आहे, तुम्ही विचार करा. आता जर जो त्रास देण्याचा प्रयत्न नवनीत राणांनी केलेला आहे,
तुमचा मतदार संघ कुठे आहे, तुम्ही राहता कुठे, तुम्हाला वोट कुठे दिलेले आहेत, त्या ठिकाणी तुम्ही जाऊन तुमची हनुमान चालीसा वाचायची होती ना, तुम्हाला जाणीवपूर्वक आमच्या मुख्यमंत्र्यांना त्रास द्यायचा आहे, तुम्हाला जेवढे खड्डे खादायचे ना तुम्ही कर्म तसं करा, परंतु आमचे उद्धव साहेब ठाकरे फक्त कामावर फोकस करतात, चांगल्या कामावर, म्हणून आम्हाला आमच्या पक्षप्रमुखांचा खूप गर्व आहे आणि आज ते दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही. आज बस सो सोनार की एक लोहार की आज एक ही लोहार का गांव हो जाएगा. आज तक जो शांत थे, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के नाते हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब शांत थे, पर आज एक शिवसेना का पक्ष प्रमुख नाते से सिंह की गर्जना वापस ललकारेगी. हर विरोधियों को उसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो मिलेगा, और जो लोग खुद हमारे शिवसेना से बाहर निकल के, युति से बाहर निकल के जो छोटी छोटी चुनौतियां दे रहे थे, जो अनाप शनाप बक रहे थे, जिनके बोलने का कुछ भी मकसद नहीं है, कुछ भी आगा पीछा नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब आज मिलेगा. जैसा कि आपने देखा कि शिवसेना का जो संपर्क अभियान है वो न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि इस बात का संकेत देने की कोशिश है कि चाहे भाजपा हो या राज ठाकरे हो या मनसे हो, कोई भी शिवसेना को जो कमजोर करने की कोशिश करेगा, शिवसेना मजबूती के साथ उभरेगी और उसका जवाब भी देगी. कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.